टाटा मोटर्स देश का जाना माना नाम है जिसकी शुरुआत कमर्शियल व्हीकल से हुई थी, लेकिन 90 के दशक में कंपनी ने पैसेंजर कार सेगमेंट में भी कदम रखा और टाटा सियरा, टाटा सफारी, टाटा सुमो और टाटा इंडिका जैसी कारों की बदौलत पैसेंजर कार सेगमेंट में भी अपना एक अलग नाम बनाया। लेकिन बीते कई सालों से ऐसा लगने लगा था कि टाटा मोटर्स को एक मेजर रिवैम्प की जरूरत है। टाटा मोटर्स के ग्राहक जो इंडिका डिजाइन फिलॉसफी के ओवरडोज से ऊब चुके थे, उन्हें कुछ नया चाहिए था। फिर क्या था, कंपनी ने इस डिमांड को समझते हुए एक नई डिजाइन फिलॉसफी तैयार की जिसे इम्पैक्ट डिजाइन नाम दिया गया। इसके तहत टाटा टियागो, टाटा टिगोर, टाटा नेक्सॉन और टाटा हेक्सा को लॉन्च किया गया। टाटा नेक्सॉन मॉडर्न होने के साथ साथ फीचर लोडेड है और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को इस कार ने एक नया आयाम दिया है। अगर आप टाटा मोटर्स की कारों के फैन हैं तो निश्चित तौर पर यह कार आपको काफी पसंद आएगी, और अगर आप टाटा मोटर्स की कारों के फैन नहीं भी हैं तो ये कार आपके इस माइंडसेट को पूरी तरीके से बदल देगी। शुरुआत कार के फ्रंट प्रोफाइल से करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाटा नेक्सॉन को इंपैक्ट डिजाइन फिलॉसफी पर तैयार किया गया है, जिसकी वजह से ये कार काफी ब्रॉड नजर आती है। टाटा नेक्सॉन का फ्रंट इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। कार के फ्रंट में ब्रॉड ग्रिल लगाया गया है, साथ ही यहां हनीकॉम्ब ग्रिल लगाया गया है जो इसे और भी खूबसूरत बना देता है। इसके अलावा यहां एक क्रोम की लाइन दी गई है जिसे कंपनी का सिग्नेचर ह्यूमैनिटी लाइन कहा जाता है। इसके अलावा यहां प्रोजेक्टर हेडलैम्प और एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट लगाई गई है। यहीं पर बड़े एयर डैम लगाए गए हैं जो कार के ब्रॉड प्रोफाइल को सूट करता है। फ्रंट की तरह ही नेक्सॉन के साइड प्रोफाइल में भी आपको कई सारे एलिमेंट्स दिखेंगे। यहां चंकी 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील लगाए गए हैं। इस हिस्से को खूबसूरत बनाने के लिए एक सिरेमिक व्हाइट लाइन दिया गया है, साथ ही सी पिलर के पास ग्रे कलर टोन दिया गया है। कार की रूफ लाइन कूपे शेप्ड है, हालांकि डोर्स के बीच का गैप थोड़ा ज्यादा है और इसे थोड़ा और फिनिश देने की जरूरत थी। टाटा नेक्सॉन का रियर प्रोफाइल आपको थोड़ा बिजी लग सकता है क्योंकि यहां आपको कई सारे एलिमेंट्स दिखेंगे। यहां आपको ट्रिपल टोन मिलेगा, यहां सिरेमिक व्हाइट पियानो ब्लैक फिनिश और बॉडी कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहां लगा टिल लैंप अट्रैक्टिव है। ओवरऑल देखा जाए तो यह हिस्सा कुछ लोगों को पसंद भी आ सकता है और नहीं भी। अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन के इंटीरियर की। एक्सटीरियर की तरह ही इंटीरियर में भी कंपनी ने उतना ही काम किया है और यूनिक एलिमेंट्स डालने की कोशिश की है। केबिन में लगी प्लास्टिक की क्वालिटी काफी अच्छी है और बेस्ट इन क्लास है। कोई रफ एज नहीं है और इसकी फिनिश काफी अच्छी है। डैशबोर्ड के एक हिस्से में ग्लॉसी प्लास्टिक फिनिश दिया गया है जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। यही फिनिश डोर पर भी दिया गया है। कई जगहों पर क्रोम का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो इस कार की केबिन इस सेगमेंट की सबसे अच्छी केबिन में से एक है। टाटा नेक्सॉन में लगा इंफोटेनमेंट सिस्टम हार्मन सोर्स्ड है और इसमें 8 स्पीकर के साथ साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा है। इसमें फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया गया है। हालांकि दिखने में यह अच्छा है लेकिन इसका डिस्प्ले थोड़ा एवरेज नजर आता है। कार के सेंटर कंसोल को भी स्मार्टली डिजाइन किया गया है। यहां अलग अलग ड्राइविंग मोड्स के लिए स्विच दिया गया है जो दिखने में किसी महंगी कार की तरह नजर आता है। टाटा नेक्सॉन में स्टोरेज स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है। इसमें कप होल्डर के अलावा एक स्लाइडिंग स्टोरेज स्पेस दिया गया है। फ्रंट डोर में एक छोटा छाता रखने की भी जगह दी गई है। कार का ग्लव बॉक्स भी काफी बड़ा है। कार में फैब्रिक सीट्स लगाए गए हैं और ये कंफर्टेबल है। लेग रूम और साइड सपोर्ट अच्छा है। ड्राइविंग पोजीशन भी कमांडिंग है और ये आपको एसयूवी ड्राइव करने का पूरा फील देगा। यहां आपकी ड्राइविंग को कंफर्टेबल बनाने के लिए हाइट एडजस्टेबल सीट और टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। रियर सीट का कंफर्ट भी काफी अच्छा है। यहां आपको पूरा हेडरूम, लेग रूम और थाई सपोर्ट मिलता है। यहां रियर सीट कंफर्ट के लिए आर्म रेस्ट और रियर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। रियर एसी वेंट को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। कार का बूट स्पेस 350 लीटर का है जो रियर सीट को फोल्ड कर 690 लीटर तक बढ़ाया भी जा सकता है। ये बूट स्पेस नेक्सॉन के राइवल्स विटारा ब्रेजा और इको स्पोर्ट से ज्यादा है। एक नजर टाटा नेक्सॉन के फीचर्स पर। टाटा नेक्सॉन में कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर दिए गए हैं, हालांकि इनमें से कई फीचर्स सिर्फ टॉप एंड वेरियंट में दिया गया है। इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प, डीआरएल, फैब्रिक सीट्स, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग, रियर एसी वेंट्स, 16 इंच एलॉय व्हील, फोल्डिंग रियर सीट, रियर पार्किंग सेंसर्स, डुअल फ्रंट एयरबैग,
रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, रियर चार्जिंग स्लॉट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, ABS प्लस EBD, कूल्ड एंड इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स, 6.5 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। टाटा नेक्सॉन दो इंजन ऑप्शन में आती है। इसमें एक 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोजेट पेट्रोल और एक 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोजेट डीजल इंजन शामिल है। हमने टाटा नेक्सॉन के डीजल वर्जन को ड्राइव किया जिसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन लगा है। ये इंजन 108 bhp का पावर और 260 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क देता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस किया गया है। ये अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल डीजल कार है। कार में 3 ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं जिन्हें इको, सिटी और स्पोर्ट्स नाम दिया गया है। टाटा नेक्सॉन के डीजल इंजन का परफॉर्मेंस टाटा की दूसरी डीजल गाड़ियों की तुलना में काफी अच्छा है। डीजल इंजन होने के बावजूद ये रिफाइंड और स्मूथ है। पावर डिलीवरी भी अच्छा है और लोअर RPM में भी कार का रिस्पॉन्स काफी बेहतर है। टाटा नेक्सॉन के डीजल वर्जन का गियर रेशियो भी लॉन्ग है जिसकी वजह से सिटी ड्राइव में ये कार आपको परेशान नहीं करेगी और आप बार बार गियर बदलने से बचेंगे। स्टीयरिंग फीडबैक भी काफी अच्छा है और ये आपको टाटा की दूसरी कारों से बेहतर फील देगा। बॉडी रोल एक इशू है लेकिन इसमें कंपनी ने काफी सुधार करने की कोशिश की है। अब एक नजर टाटा नेक्सॉन की कीमतों पर। टाटा नेक्सॉन के पेट्रोल वर्जन की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 6,51,000 रुपये से लेकर 9,85,000 रुपये के बीच है। वहीं इसके डीजल वर्जन की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 7,85,000 रुपये से लेकर 10,80,000 रुपये के बीच है। तो ये थी आपके लिए टाटा नेक्सॉन। इस कार को ड्राइव करने के बाद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि टाटा मोटर्स ने ना सिर्फ अपने डिज़ाइन लैंग्वेज में बदलाव किया है बल्कि उस इमेज को भी पूरी तरीके से बदल दिया है जिस वजह से टाटा मोटर्स की कारों की बिक्री में लगातार गिरावट हो रही थी। गियरअप के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड का इंतजार ज़रूर कीजिएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे और मेरे सहयोगी वकार अहमद को दीजिए इजाज़त। टिल देन गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।